फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद और बढ़ गया है। सेंसर बोर्ड के पास होने से पहले फिल्म दिखाए जाने से सेंसर बोर्ड नाराज है। कल दिल्ली में फिल्म के निर्माता वायकॉम 18 ने दो चैनल्स के संपादकों के अलावा कुछ चुनिंदा लोगों की फिल्म दिखाई। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कड़ी आपत्ति जताई है और सेंसर बोर्ड के पहले फिल्म दिखाने पर सवाल उठाए। क्या कह रहे हैं प्रसून जोशी? देखिए, सेंसर बोर्ड के देखने से पहले मीडिया को फिल्म दिखाना और फिल्म को लेकर टेलीविजन चैनल्स पर चर्चा होना निराशाजनक है। फिल्म उद्योग के चलने के लिए जो व्यवस्था बनी है ये उस व्यवस्था के खिलाफ है। अपनी सुविधा के हिसाब से सेंसर बोर्ड की रोल की अनदेखी करना गलत है। एक तरफ तो सेंसर बोर्ड को जिम्मेदार बताया जा रहा है और फिल्म पास करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका उल्लंघन बताया जा रहा है, ये अवसरवादिता है। तो तमाम चीजें यहाँ पर प्रसून जोशी कह रहे हैं अपनी बात में, कह रहे हैं कि आवेदन में फिल्म काल्पनिक है, ऐतिहासिक, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बावजूद सेंसर बोर्ड को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराना आश्चर्यजनक है। सेंसर बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है जो फिल्म उद्योग और समाज के हित में काम करती है। हम अपनी सुविधा से कोई कदम ना उठाएं, न ऐसी कोई परंपरा बनाएं, हम सभी जिम्मेदार हैं। तो विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में, राजस्थान के बीकानेर में और जम्मू से, इन तमाम जगहों पर पद्मावती के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तेवर उग्र हैं। और अब फिल्म के निर्माता भी हैं, वो भी अपनी तरफ से एक रणनीति बना रहे हैं जिसके जरिए कुछ लोगों को फिल्म दिखाकर फिल्म का प्रचार भी किया जा रहा है उसके पक्ष में।